जब आप कहीं सुनते हो कि बॉम्ब ब्लास्ट हो गया या टेरर अटैक हो गया, तो आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या रहा है? फर्स्ट रिएक्शन वो होता है कि उनको जल्दी पकड़े आप लोग और उनका फैसला होए, सबसे एक वीक के अंदर उसका फैसला होकर वो ख़त्म हो जाना चाहिए, दूसरा कुछ नहीं। और पेस जो हमारे देश में आए दिन टेरर अटैक होते हैं, उस पर आपकी क्या राय है? जो यूथ को आगे बढ़ाना मांगता है और हम जाके कुछ ऐसा करें जो बाद में भी और अभी भी, तो सबको एक नॉलेज होना मांगता है किसी भी चीज़ के बारे में। और टेरर अटैक हो रहे तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। आतंकी घटना हो रही है, उसको लेकर आप क्या सोचते हो? अभी क्या सोचना, अच्छा तो नहीं लग रहा है सब। तो आतंकियों को कैसा जवाब देना चाहिए? जैसा वो लोग करते वैसा ही करना चाहिए उनके साथ। मतलब क्या, वो जैसे करते हैं गोलीबारी वगैरह वैसे ही करना चाहिए। तो आपको लगता है कि हम लोग को भी गोलीबारी करनी चाहिए? हाँ, फिर क्या, मतलब गोली का बदला गोली से। हाँ, वही ना। आपको क्या लगता है? नहीं, वही वैसा ही करने का। शांति से बैठेगा तो कैसा हो जाएगा, शांति से बैठेगा तो ज़्यादा वो करते हैं ना वो लोग। सारे देश को ही मतलब उनका खाना खिलाना कसा का ही देख लिया ना कैसा, वो तो अच्छा नहीं लगता है। गोली का बदला गोली। सर्जिकल अटैक हुआ है, क्या एक दो और सर्जिकल अटैक करने की जरूरत है? वो देखना पड़ेगा, टाइम और सिचुएशन क्या है वो देख के कर सकते हैं। अभी हाल ही में हमारे कश्मीर में अभी कल की ही न्यूज़ देखे तो दो जवान शहीद हो गए और एक आतंकी को ढेर कर पाए, तो उस हाल में आप क्या सोचते हैं कि हमारे और आर्मी को अब और क्या चाहिए टेक्निकली? नहीं, उस वहाँ पे कश्मीर का मसला ऐसा है कि उसमें गोली और ना फिर गाली से उसको सही नहीं कर सकते, उसके लिए प्यार मोहब्बत चाहिए, साथ में ये भी चाहिए दोनों, जो सीमा पार से जो आतंकवादी घुसपैठ कर रहे उसको बंद करना चाहिए, वो बंद हो जाएगा। और जो हुरियत को अगर ये लोग डिप्लोमेटिक हैंडल कर पाएंगे तो कश्मीर का मसला सॉल्व हो जाएगा। क्या हमें अपना जो व्यापारिक रिश्ते होते हैं पाकिस्तान से बंद कर देना चाहिए? जी बिल्कुल, बंद ही करना चाहिए। व्यापारिक और जो कल्चरल सबको बंद करना चाहिए उनके साथ में, तभी जाके उनको ये होगा। देखिए, जो उसका जो बेस कैंप है पहले उसको नष्ट करना पड़ेगा, और हमारा जो इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस इनपुट को और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, और जो सिक्योरिटी भी और बढ़ानी पड़ेगी, तभी जाके ये ख़त्म हो सकता है। पीएम जो अपने हैं मोदी, वो जो कदम उठा रहे पाकिस्तान को लेके, वो आपको ठीक लग रहा है कि और सख्ती करनी चाहिए? नहीं, अभी जो है उनको उनको डिप्लोमेटिकली उनको हैंडल कर रहे हैं, जो सही कदम है, और उनको और भी कड़वा करना चाहिए। जो इंडियन गवर्नमेंट आतंकवाद को लेके स्टैंड कर रही है वो ठीक है आपके हिसाब से? जी, मेरे हिसाब से तो ठीक लग रहा ही है। अगर कोई आपके मुल्क पे, आपका मुल्क आपका घर होता है, आपके घर पे कोई अटैक करे तो ऑब्वियसली आप उन पे अटैक करेंगे, आप चुप तो नहीं बैठे, क्योंकि ये अपने पे आ रहा है, अपनी माँ पे आ रहा है, धरती है अपनी माँ है, देश है अपना, तो उस पे आ रहा है। तो मेरे ख्याल से तो वो ठीक कर रहे हैं, लेकिन हाँ, हम ऐसे बंदे हैं, हम भारत देशवासी ऐसे जो पहले बातों से झगड़ा नहीं चाहते, पहले बातों से कुछ करेंगे तो ठीक है, बातों से सुलझ रहा है इट्स ओके, अगर नहीं सुलझ रहा है तो हमने भी कुछ चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई, हम भी ईंट का जवाब पत्थर से दे सकते हैं। नाम है तुम्हारा? मनोज धुरंधर। और आपका? राजेश गोरीवले। आप लोग क्या बनना चाहते हो? आप? मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। अगर देश के लिए कुछ करने का मौका मिला तो क्या करोगे आप? मैं अपने फील्ड में अपना पूरा जोर लगा दूंगा। अच्छा, बेस्ट ट्राई करेंगे। अच्छा, आपको पता होगा कि आजकल मतलब आए दिन आतंकी हमला होता है देश में, उसको लेकर आप क्या सोचते हो? इसको हम सोचते हैं कि ये होना नहीं चाहिए। मतलब इसमें पॉलिटिक्स ही पॉलिटिक्स भरा हुआ है सब, मतलब अपने भी इधर के लोग होते हैं उसमें शामिल, तो ये करप्शन मतलब पूरा ही चलता है उसमें, आतंकवादी मतलब इनका। ओके, यंगस्टर लोग को क्या करना चाहिए, आज के यंगस्टर को क्या करना चाहिए? यंगस्टर को अपना बेस देना चाहिए अपने फील्ड में, और देश को आगे कैसे बढ़ा के लेके जाए वो देखना चाहिए। हमारे देश में जो आए दिन टेररिस्ट अटैक होते हैं उसके ऊपर आपकी क्या राय है? उसके ऊपर अभी टेररिस्ट तो रोका नहीं जा सकता, लेकिन ये जो सारे समुद्र है यही से ज़्यादातर टेररिस्ट आते हैं, आवन जावन करते हैं, तो ज़्यादातर ये जो जितने भी समुद्र किनारे हैं उनकी सुरक्षा बढ़ा देनी चाहिए। यहाँ पर कोई दिख रहा है आपको कि यहाँ से अगर कोई टेररिस्ट घुस जाए तो कहाँ से प्रोटेक्शन कर पाएंगे? अगर वो आर्म्स लेके घुस जाएंगे, हमारे पास कुछ नहीं है यहाँ से, अगर वो शायद यहाँ से बोट लेके आ जाए तो मरीन ड्राइव पे कौन है उनकी सुरक्षा करने के लिए यहाँ के लोगों की? आपको नहीं, हमारे कोस्ट गार्ड हैं, यहाँ से आप 6 किलोमीटर अंदर जाओगे तो भारतीय नेवी आपको मिल जाएगी, तो आपको क्या भारतीय नेवी पे भरोसा नहीं? नहीं, देखिए यहाँ पे जनसंख्या इतनी है ना,
तो कोई पहचाना नहीं जा सकता कि कौन टेररिस्ट है कौन नहीं है। अगर यहाँ से अगर आ भी जाए तो कैसे पहचानोगे? एक बार अंदर घुस गए वो हमारे जो सैनिक है वो तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए तो हैट्स ऑफ है, बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन इतना पब्लिक है उसमें वो हैंडल कर रहे हैं ये सब चीज़ें, अगर उसमें से छुपे छुपाए एक दो कीड़े निकलते हैं तो उसमें कुछ नहीं कर सकते, आ जाएंगे वो। गवर्नमेंट क्या करनी चाहिए? जो हमारे अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो बोलते हैं कि अगर हमारे एक जवान मरेंगे तो हम उनके 10 मारेंगे, या अगर एक टेररिस्ट एक जवान को मारता है तो हम 10 को मारेंगे, इस पर आपकी क्या राय है? वो कर पा रहे हैं ये चीज़ जो उन्होंने बोला है वो कर पा रहे हैं? नहीं देखिए, वो तो कर रहे हैं, उनका जितना भी कोशिश है वो कर रहे हैं, ऐसा नहीं बोल सकते कि हमारा सुरक्षा मंत्रालय ऐसे ही हाथ पे हाथ धरे बैठा नहीं है, वो करेगा जितना हो सकता है उतना करेगा, पॉपुलेशन ही उतना है, गवर्नमेंट भी क्या करेगी, गवर्नमेंट जितना हो सके उनसे वो कर रही है, मुझे ऐसा। तो आपका कहना मतलब पॉपुलेशन, तो एज ए इंडियन और एक सिविल होने के नाते आप क्या कर सकते हैं? एज ए इंडियन सिविल होने के नाते मैं क्या कर सकता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा अगर कुछ ऐसी संशोधित चीज़ दिखाई दे तो ज़्यादा से ज़्यादा अलर्ट कर सकता हूँ लोगों को, उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो आर्म्स लेके घूम नहीं सकता। अगर ऐसी कुछ चीज़ या घटना दिखाई दे रही है जो संशयजनक है तो उसके लिए मैं अलर्ट कर सकता हूँ आजू बाजू के लोगों को, बाकी कुछ नहीं कर सकता। भारत में आए दिन आतंकी हमला होता है, उसको लेके आम लोगों की क्या सोच है, आप क्या सोचते हो, क्या कदम उठाना चाहिए? सरकार को रूपरेखा तैयार करके इनके खिलाफ मुकाबला करना चाहिए। कैसे मुकाबला करना? मुकाबला आम जनता ही सहयोग करेगी तभी अच्छे से इनका मुकाबला किया जा सकता है। हाँ। और किसी भारतीय नागरिक को अपने इस दायित्व से दूर नहीं भागना चाहिए, किसी न किसी रूप में सहयोग सरकार का करना चाहिए। टाइम लगता है कोई सोचने के लिए, इसके लिए थोड़ा डिले हो गया, अब डिले नहीं होता है, अब फास्ट काम होता है हमारे देश में। कोई भी टेररिस्ट हमला करता है तो इसके बारे में ऑन द स्पॉट एक दो वीक के अंदर फैसला आ जाता है, ये अच्छी बात है हमारे इंडिया के लिए।